बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आर्मी अभ्यर्थियों के द्वारा जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री एवं सेना प्रमुख के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने बताया कि उदयपुर आर्मी भर्ती लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, जिसे 7 बार स्थगित कर दिया, जिसके कारण आर्मी अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। वही समय पर मांगे नहीं माने तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आर्मी अभ्यर्थियों के द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री एवं सेना प्रमुख के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में अभ्यर्थी महेंद्र सिंह राठौड़ मुनाबाव ने बताया कि उदयपुर आर्मी भर्ती लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, जिसे 7 बार स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण आर्मी अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। अभ्यर्थी घेवर सिंह रामसर ने बताया कि आर्मी परीक्षा 7 बार स्थगित होने के कारण कोविड-19 बताया जा रहा है, जबकि राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय कई परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया है, जिसमें लाखों की भीड़ थी, जबकि उदयपुर आर्मी लिखित परीक्षा में केवल 3000 अभ्यर्थी है, फिर भी समय पर नहीं की जा रही है। वहीं अशोक धतरवाल ने कहा कि लंबे समय से आर्मी की नई भर्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से कोरोना काल भी रहा है, तो सभी अभ्यर्थियों को आयु में छूट मिलनी चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ आज इकट्ठा हुए हैं आर्मी के अभ्यर्थी है सारे, इनका लंबे समय से एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। मेडिकल फिजिकल फिट होने के बावजूद एक महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवाया जाता है, हर बार एक या दो महीने के अंदर, लेकिन इस बार एक बार नहीं 7 बार एग्जाम, हर महीने में एग्जाम डेट दी गई, लेकिन 7 बार एग्जाम डेट पोस्टपोन की गई। उसका रीजन बताया जा रहा है कोविड, कोरोना, जबकि अपने देखा राजस्थान के अंदर रीट के एग्जाम हुए और इतनी बड़े बड़े एग्जाम हो गए, इंडिया सेंट्रल लेवल पे इतने एग्जाम हो गए, लेकिन ये केवल मात्र 2500 से 3000 स्टूडेंट है और इनका एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है बार बार, और इनको जो वजह दी जा रही है वो कोविड दी जा रही है। एक तो ये मांग है हमारी कि ये एग्जाम जो हो वो समय पर हो, दूसरी कोविड के कारण लंबे समय से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, इस वजह से सभी अभ्यर्थी परेशान हैं, सभी अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी जाए, ये दो मांगे विशेष रूप से हमारी रहेगी। और ज्ञापन के दौरान अभ्यर्थियों ने एकत्रित होकर चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो हम शांतिपूर्ण रैली व ज्ञापन सौंप रहे हैं, यदि समय पर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। ज्ञापन के दौरान खेताराम नाद, महेंद्र सिंह सूरा, रणजीत सुरेंद्र सिंह आकोड़ा, मोहन सेतराव सहित सैकड़ों अभ्यर्थी उपस्थित रहे।